गंदा खराब छिछोरे पापा पापा ने पीछे से बोला है आपको छिछोरे कैसे कैसे हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग घर में मम्मी पापा के साथ टीम बांट के खेलेंगे डम शरार। क्या वो क्या खेलेंगे? डम शरार ना, मेरे ख्याल से तो डम शरार होता है। डम शरार होता है, मैं भी चेक करती हूँ क्या बोलते हैं। आप लोग बताना क्या बोलते हैं, डम शरार बोलते हैं वैसे तो। पहले डिसाइड हो गया कि मम्मी मेरी टीम में रहेंगी, पापा संभावना की टीम में रहेंगे, यानी कि ससुर बहू और माँ बेटे की टीम बटेगी। और मेरी टीम में ऑलरेडी बहुत कमजोर प्लेयर है, तो मुझे तो नहीं, मेरे को लगता है बहुत भारी प्लेयर है तुम्हारी टीम में। नहीं, मेरा प्लेयर खाली वजन में भारी है। पापा देखते हैं जरा, डम शरार कहते हैं या डम शराज कहते हैं, जरा देखना तो। ये कोई गेम है? हाँ, ये लो पहले यार। सबसे पहले मैं जरा मम्मी पापा का रूल समझा देता हूँ। पापा आ जाओ सीख लो जरा, उधर बैठ जाओ। मैं आई, तुम कहाँ चली गई रूल सिखाने बोल के? वो सबसे पहले गई होगी चीटिंग के रूल समझने कि चीटिंग कैसे करनी है इसमें, लेकिन उन्हें पता नहीं मेरी माँ भी गलत हो गई में नंबर वन। नहीं नहीं, मैं चीटिंग क्यों करूंगी, मैं करती है बताओ। Why will I do cheating? Because ये तुम्हारे ब्लड में है ना? मेरे खून के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरे खून में चीटिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। धोखाधड़ी, खंजर भोंकना पीछे से। हाँ, नहीं मैं आगे से ही भोंक देती हूँ। तो आप लोगों को रूल समझा दूँ? आप तो पहले इंटरेस्टेड नहीं हो मम्मी, कैसे जीतेंगे हम लोग? पता नहीं, तुम्हारे भरोसे हूँ। मेरे भरोसे? मैं तो आपके भरोसे हूँ। नाम पता कोई चल जाएगा, लेकिन मैं नाम नहीं बोल पाऊंगी। क्या फिल्म का? कोई भी चीज का नाम नहीं बोल पाऊंगी। ये क्या हो रहा है? उधर चलाकी हो रही है। सबसे पहले आपका हल्का से टेस्ट कर लेते हैं। शाहरुख और काजोल की किसी भी एक फिल्म का नाम बताओ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं। yeah! इतना नहीं मेरी मम्मी कमजोर। आपको पता है पापा? अब आपको बताना है। आप अमिताभ बच्चन जया बच्चन की फिल्म का नाम बताओ। शोले। इतना लेट, जबकि ये सबसे आसान था। भाई भाई मैं भी बहुत कमजोर हूँ, आज हारेगी सास के सामने बहू। तो मम्मी देखो रूल क्या है, संभावना या पापा में से कोई भी एक मुझे एक फिल्म का नाम बताएगा। ठीक है, वो आपको कर करके बताएगा कुछ। अच्छा। उससे पहचानना है कि कौन सी फिल्म हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज तो एक आपको एग्जांपल करके बता दें। मान लो संभावना ने मेरे कान में बोला दिल तो पागल है। अब मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा कि कितने शब्द हैं? तो दिल तो पागल है, मैं आपको बोलूंगा चार। मुंह मेरा एकदम बंद रहेगा, फिर मैं बताऊंगा एक, यानी कि पहला शब्द मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे करूंगा दिल, तो अगर आपने सही बोला तो मैं ऐसे करूंगा कि आपने सही बोला है। तो मतलब चीटिंग होती है, अपनी माँ को पूरा सिखा के सामने ला रहा है, ये नहीं चलेगा। चलो देखते हैं कोई इनाम मिलने वाला है ही ना। अपने परिवार से तो है हार जीत, इनाम नहीं मिलने वाला। पापा जिंदगी भर कोसेंगे आपको कि हराया था वहाँ पे। अरे तो ये खुद ही हार जाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं ना। पापा पापा इधर आ जाओ, अब ये टीमें अलग हो गई हैं, आप मम्मी से अलग हो जाओ। तो ऐसे खड़े क्यों हो गए, जनगण मन होने वाला है। चलो ठीक है, ओके रेडी। ओके ठीक है, तो सबसे पहली बारी तुम मुझे नाम दोगी। हाँ। और मैं मम्मी को बताऊंगा। पहले यहाँ से शुरू करो, सीखने का समझने का, मम्मी को हारते हुए देखो आपके पास पूरा टाइम है। तब तक हम पक्का हो जाएंगे फिल्म डिसाइड करने की। पिक्चर का नाम याद नहीं होगा एक भी। मेरा ही दिमाग एकदम हो रहा है मच्छी अम्मले। चलो तुम थोड़ा दूर हो जाओ। आप क्या शांत से बता रहे हो? अरे ससुर बहू तो मम्मी बहुत दिमाग लगा रहे हैं। आप क्या सोच रही हो, अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं। कोई पिक्चर का नाम ही नहीं याद आ रहा। अरे 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 मैं आके तुम्हें बताऊंगी। अरे आराम से आराम से। अरे यार मेरी मम्मी को तुम इतना टफ। अच्छा चल चल चल। मेरी मम्मी को इतना कठिन चीज दे रहे हैं लग रहा है। चलो बताओ मम्मी को क्या। अच्छा तू बोल नहीं सकता। अच्छा, पॉइंट कट हो गया। नहीं नहीं मैंने कुछ मैंने बोला। अच्छा दोबारा करता हूँ, मैंने ही बोला। खराब है, इतने शब्द में ही समझना है क्या? और आगे कुछ बोलो। गंदा खराब छिछोरे। पापा ने पीछे से बोला है आपको, मैंने सुना कहती तो आपके सुनने से क्या होता है। अरे मम्मी पापा ने बोला है।
है घर का वो बेदी लंका डाई हो गया है तो। पापा कितनी तेज बोलियो आप, मुझे तो गुस्सा आया ना। कैसे कैसे नहीं सुना मम्मी, झूठ नहीं चलेगा तो सुना नहीं, नहीं, को, नहीं, तो क्या हुआ हमने सुना क्योंकि किसी ने बोला ना हमने थोड़ी हम सुने भी ना। ठीक है पापा, ये आपने गलत कर दिया, हमारा एक पॉइंट हो गया है। पीछे से समझ जाएगा। चलो अब मम्मी इधर आप बैठो, इधर बैठो। अरे गेम तो हो गया है। मम्मी तुम्हें शब्द देंगी, बोलो। मैं भी कहीं मदद कर दूंगी। नहीं पापा, मम्मी अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले? मियां बीवी के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? अब कहां से मियां बीवी आ गए? अगर वो बीवी मदद करना चाह रही है देखा जाएगा, जो दिमाग में अगर कुछ आ जाएगा। अगर ऐसा करोगी तो फिर मैं आपको बिना बताए नाम दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। पापा की तसल्ली के लिए बोली हूँ, अभी का झगड़ा खत्म करने के लिए बोली। अरे अभी का झगड़ा शांत हो जाए इसलिए। चलो मम्मी आप दो। अच्छा अभी ना कोई नाम बताओ जो आपके दिमाग में आ रहा है। तू ही तू नहीं बता पाएगा मेरे को? नहीं, आप बताओ। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी प्लेयर है। तुम अगर मेरी मम्मी को हल्के में ले रही हो तो क्या नाम दिया मेरी मम्मी ने? ठीक है मम्मी इधर आ जाओ, आप पापा के बोल में नजर रखनी है, कोई चीटिंग ना करे, इधर आके बैठो। ये कैसे रावण बनी हुई है? महाराजा, महाबली, बाहुबली, बादशाह, महाराजा, वो कह रही है इनमें से कुछ भी नहीं है। समझ महाराजा उसके होट पे नजर रखना, मुंह से नहीं बोलना। अरे घूर क्यों रही है मेरे पापा को? केरी सो जाओ बॉस डॉन। पापा के हाथ देखो कैसे सोचते सोचते पति पत्नी वो। अरे मम्मी पहले उधर चली जा, मुंह से बोला है मैंने। मम्मी आप नजर रखना, वो दुर्घटना घट जाती है हटते ही। हाँ ये बात तुझे पता है, मुझे नहीं, तुझे पता है ना। नजर हटी दुर्घटना घटी, समझता है ना। सही कह रही है, चोटों की बस्ती में हम, याद रखना। बस भैया हार मान लो, अभी ऐसे नहीं थोड़ी कि जिंदगी भर चलता रहेगा ये गेम, खत्म हो गया। पापा वाला नाम धच्चू निकले। क्या निकले? धच्चू। हिंदुस्तानी बोल रही थी पापा। हमें राजा में तो मैंने आपको दिया पूरा, पहले राजा हो गया, वंदे मातरम कर रहे हैं। अरे उसके आगे पिक्चर बतानी है ना, राजा हिंदुस्तानी पिक्चर का नाम है। जब एक शब्द क्लियर हो जाता है ना तो उसके राजा के साथ जोड़ना है। मम्मी को पूरा आपने चीटिंग कराया, लेकिन मम्मी ने आपको एक शब्द नहीं दिया। नहीं उससे लग रहा था जैसे पिक्चर बनानी है ना, एक मैं राजा की कर रही हूँ, फिर मैं आपको ये दे रही हूँ हिंदुस्तानी, तो फिर हिंदू ये भी कर रही हूँ, आप कह रहे हो वंदे मातरम। अरे मेरी मम्मी तो सब जानती है। एक तो क्या मम्मी ने नाम दिया, अब ये हमें इशारा करके बताएंगे और हमें समझना है। ठीक है चलो ठीक है। तो मतलब मेरी टीम में मम्मी एक्टिंग करेगी, तुम्हारी टीम में पापा एक्टिंग करेंगे। ओके क्या नाम दे रहे हो मेरी मम्मी को? तुमने सुन लिया क्या? नहीं नहीं सुन, तुम्हारी कसम। तीन शब्द है, मेरी मम्मी जो है बड़ी भाई खेलने में माहिर है, ऐसा नहीं है। खूबसूरत, सुंदर, अच्छा, प्यारा, बहुत अच्छा। कितने शब्द बोले शुरू में? तीन। मुंह से नहीं बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। इसने जब मैंने मम्मी के कान में बोला है ये सुन चुका था। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, कैमरा इधर, कैमरा इधर, कैमरा इधर करो। मेरी मम्मी की कसम तुम्हारी कसम, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने डम शराट स्कूल में बहुत खेला हुआ है। मैंने कभी नहीं खेला ना। आप ना जीत इसीलिए मैंने तीन शब्द चूज किया कि सुंदर खूबसूरत से तीन शब्द। मम्मी इसने मेरे को मम्मी तीन शब्द है आज छोड़ो, मैं पापा आपको सत्यम शिवम सुंदरम तीन शब्द हो गया। अब यही गेम रहेगा, मैं बस समझाऊंगी तू समझा। अरे बाप रे। अरे पापा आप तो ऑलरेडी हारे हुए दिख रहे हो। नहीं अरे क्या
नहीं अभी तो लड़ाई जारी है। हाँ। बात ऐसी है, हमारे दो बारे में दो पॉइंट हो गए। अब अगर तुम लोग ये पॉइंट जीत भी गए हाँ, तो भी हारे हुए हो हाँ? तो मतलब हम हार चुके। नहीं लेकिन कम से कम इज्जत बचा लो, एक पॉइंट जीत। कोशिश करते हैं। कैंडी बेटा इज्जत बचवा ले। मम्मी लोगों ने कितना कठिन नाम दिया हमें, सत्यम शिवम सुंदर। हाँ ना हीरो पता ना हीरोइन पता। अरे बीवी तो बहुत लुटी पिटी लग रही है। बीवी हारती है तो एक माँ के पति है ना, उन्होंने कुछ देर बचा ली। अरे बाबू रे बाबू, इसीलिए वो क्या आई हूँ अब तक अपनी बहू को ही कुछ बाजी है। बेटा एक ही तो जीतता है ना, आज हम जीतेंगे कल आप जीत जाना। पहला वाला आंसर बीवी को पीछे और दूसरे में कुछ आ दिया। पापा की हालत खराब है, किसके टीम में आ गया। अरे इतना बता रही हूँ राजा, फिर कहते बंदे मातरम। राजा शांत, देखो आप ऐसे करते हैं कैसे कि राजा है, मुकुट सुकुट लगाए हैं, मुकुट लगाए हैं, तलवार आराम से कुर्सी पे बैठे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया है सास का। राजा शांत होते, आप लड़ाई वाला सीन दिखा रहे हो, लेकिन राजा राजा होता है। अरे, 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 अरे। पापा के कान में जाके आप नाम देना, पापा एक्टिंग करेंगे। इतना चोरी से सुन रहे। अम्मी बताओ पापा के कान में। अच्छा, कान में पता नहीं। पापा एक्टिंग करेंगे। शब्द पहले उनको बता देना कितने हैं। आपने वो ही नहीं सुना है, मुझे क्या बताओगे। सुना पापा आपने? अब भूल मत जाना दिमाग। हाँ ना पापा, पहले बताओ कैसे पहले बताए। अरे अरे सारा बताना, लेकिन वो कुछ ऐसे करते हुए बताना। दो है पाताल लोक। पापा ने कहा पाताल लोक देखा है। नमः, नमस्ते और नमस्ते, जय श्री राम। कुछ और इसकी जगह कर दो। राम ठीक था। एक्टिंग तो सही करी है पापा ने। मम्मी राम पहला, इससे पहले कुछ और, राम के बाद कुछ और। सीता राम, जाओ राम, गया राम। इस बार तो बताने वाले हैं आप। पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे में प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अब नहीं आएगा तो क्या कर सकते। इस पूरी टीम में ही खोट है, पूरा सही जगह पे आके दोनों खिलाड़ियों में खोट है। हाँ, सही जगह पे आके विचलित हो रहे हैं। हार मान ली? माननी पड़ेगी यार। अरे जाओ बता दें हम फिर। जाओ ना। राम जाओ ना कौन सी पिक्चर थी? राम जाने। राम के साथ कुछ जोड़ना है पिक्चर में। कितना कुछ इशारा दिए है कि कहने एक तो जीत जाने, हमारा जीना आराम हो जाता बेटा। तो भाई अगर एक नहीं जीतती तो हमारा जीना हराम। इतना बुरा बनाया, गेम ही यही खत्म हो जाता। चलिए मम्मी आपको पता है आज तक जितने भी गेम मैंने खेले यही जीती, इन्होंने हराया मुझे। आज मेरी माँ ने मुझे जिता दिया, मुझे कुछ दिया नहीं। तुमने भी कुछ वाया ससुर को दूसरे वाले, लेकिन फिर भी मैंने बता तो दिया एंड में। इसी के साथ हम हार चुके हैं, ससुर और बहू हार चुके हैं, और सास और बेटा जीत चुके हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपको हमारा ये माँ बेटे और ससुर बहू की जोड़ी कैसी लगी, और हमारा डम शरार्ट गेम्स कैसा लगा। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। माई नी माई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा, बहू को चूना लगा दिया तुमने मिन जोगी संग लागा। की हालत इतना हंसे हैं पापा यार, आज पापा इतना हंसे हैं कि मैंने कर क्या दिया। मजा आया लेकिन मैं बता रहा हूँ पापा ने दूसरी बार में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कोई भी बता देता तुम्हारी जगह होता तो कैंडी भी बता देती। राम जा ये मेरा।